दिल वाले बिग बॉस। जी हाँ, निकी तंबोली का रोमांटिक अवतार अब सामने आ चुका है। जी हाँ, कल तक भाईजान बोलने वाली शुरुआत होती है निकी तंबोली का जान के साथ रोमांटिक बातें, उसके बाद रात को बातें होती है, और उसके बाद दो दिन पहले ही निकी तंबोली बना लेती है जानू को, यानी कि जान कुमार शानू को अपना भाईजान। उस पर राहुल वैद्य भी चुटकी लेते हुए नजर आते हैं, तो वहीं निशांत मलखानी भी मस्ती करते हुए दिखते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में, जी हाँ, आज के एपिसोड में जानू को जान यानी निकी किस करते हुए नजर आने वाले। जी हाँ, म्यूजिकल कंपटीशन राहुल वैद्य और हमारे जान कुमार शानू के बीच हो रहा है, और इसी म्यूजिकल कॉन्टेस्ट में वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है निकी तंबोली, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिस तरीके के रोमांटिक गाने गाए जाते हैं, तेनू समझा गाना जो है वो काफी ज्यादा ड्यूट में गाया जाता है, क्योंकि दोनों ही सिंगर हैं और दोनों ही अपने आप में महारथी हैं। और ऐसे में जो म्यूजिकल कंपटीशन होता है उसमें उठकर वो निकी तंबोली जाती है और कहीं ना कहीं जानू को किस कर लेती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं जानू सीधा सीधी उन्होंने कहा है कि ये मेरी क्रश है, मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे भाई मत बोलो, मुझे भाई बोलने में अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे भाई मत बोलो, दोस्त है और कहीं ना कहीं तुम मेरी क्रश हो। तो कहीं ना कहीं जानू ने ना अपना इजहार कर दिया है, यानी चुम्मा चाटी का अफेयर जो था वो कहीं ना कहीं चालू हो चुका है। अब देखना है कि अब चद्दर में गद्दर कब मचेगा। जी हाँ, बिग बॉस का पुराना इतिहास रहा है चद्दर में गद्दर मचाते हुए, बाथरूम में रोमांस करते हुए, और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि निकी तंबोली और जानू का कहीं ना कहीं चद्दर में गद्दर और हो सकता है बाथरूम में भी रोमांस करते हुए अगले आगे वाले एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज रात को किसिंग वाला अवतार आपको जरूर देखने को मिलेगा।